नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। ये वो शीट है जिसका यूज हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए करती है। ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉइज आईडी लिखे हुए हैं, कुछ एम्प्लॉइज के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमने जितने भी एम्प्लॉइज प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव पर रहे हैं उनका रिकॉर्ड, उनका डेटा तैयार किया हुआ है। स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर एम्प्लॉइज की लिस्ट तैयार करनी होगी। तो एम्प्लॉय लिस्ट तैयार करने के लिए हमें समथिंग इस तरह की लिस्ट चाहिए होगी जो यहाँ पर पहले से ही बनी हुई है। तो मैं इसे दोबारा बनाकर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम इस एम्प्लॉय लिस्ट को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के बाद आपको लेना होगा लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पर प्रेस करना होगा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के अंदर आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी लिस्ट की रेंज लेंगे आप और यहाँ प्रेस करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट तैयार हो गई है, और जिस भी एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉय आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पर अरब टोटल प्रेजेंट कितने दिन रहा है, टोटल एब्सेंट कितने दिन रहा है और टोटल लीव कितने दिन रहा है, वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना होगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको दो बार ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर रेंज लेनी है, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, जो भी आपने डेटा तैयार किया हुआ है उसका। तो उसके लिए आप डाउन एरो यूज करेंगे शिफ्ट और कंट्रोल के साथ, और राइट एरो यूज करेंगे। एक बार में ही ये पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको वापस रिटर्न अपने फॉर्मूले पर आना होगा। यहाँ पर आपको यूज करना होगा इज इक्वल टू। अगर ये इज इक्वल टू है इनवर्टेड कोड के अंदर, आपको सर्च करना है किस चीज को, लाइक अ प्रेजेंट को, यानी प्रेजेंट के लिए हमें यहाँ पर हमने पी लिख रखा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर पी। यूज करने के बाद इन्वर्टेड कोड को वापस क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को फिर से बंद करेंगे और यहाँ पर हम एक मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे, और इसके बाद फिर से एक बार ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपको रेंज लेनी है सभी एम्प्लॉयज की, कि इन एम्प्लॉयज के अंदर अगर इज इक्वल टू हो किसके, अरब के, यानी यहाँ पर जो भी लिस्ट में फर्स्ट नेम पर होगा उसकी रेंज लेनी है आपको। ब्रैकेट को टू टाइम बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे कि जो अरब है वो 20 डेज प्रेजेंट रहा है। इसके बाद अगर हम उसका एब्सेंट निकालना चाहते हैं तो एब्सेंट के लिए हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट के अंदर दो बार ब्रैकेट को ओपन फिर से करेंगे। यहाँ पर सेम रेंज लेंगे हम लोग सभी डेटा की, कि जितने दिन प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव पर रहा है, और इसके बाद यहाँ पर हम इसे इस इक्वल टू यूज करेंगे, और इन्वर्टेड कोड के अंदर हमें जो भी सर्च करना है, यानी हमें सर्च करना है एब्सेंट, तो एब्सेंट के लिए हमने लिख रखा है यहाँ पर ए, तो ए सर्च करेंगे। ए लिखने के बाद इन्वर्टेड कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को वापस बंद करेंगे और फिर से हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल, ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रेंज लेंगे आप सभी एम्प्लॉयज की, ये एम्प्लॉयज में से इक्वल हो किसके, लाइक इस एम्प्लॉयज के, ब्रैकेट को दो बार ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो एब्सेंट रहा है ये 10 डेज। उसके बाद अगर लीव की बात करें तो सेम फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट लेने के बाद ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे दो बार, और ओपन करने के बाद आपको सेम डेटाबेस की वापस रेंज लेनी है। रेंज लेने के बाद आपको वापस अपने डेटा पर जाना है, यानी अपने फॉर्मूला पर जाना है जहां पर आप फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, और इसमें इज इक्वल टू का सिंबल यूज करने के बाद इन्वर्टेड कोड के अंदर आपको देना है एल। ये एल को सर्च करें, एल को सर्च करने के बाद ब्रैकेट को वापस बंद करना है आपको, और मल्टीप्लाई करें ये इससे, ब्रैकेट को वापस ओपन करके इस सभी एम्प्लॉइज की लिस्ट की रेंज लेनी है आपको, और यहाँ पर यूज करना है इज इक्वल टू, और ये इक्वल किसके हो, अरब के इक्वल हो, ब्रैकेट को दो बार बंद करना है और प्रेस कर देना है एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अरब 20 डेज एब्सेंट रहा, सॉरी प्रेजेंट रहा है, 10 डेज एब्सेंट रहा है और 1 डे लीव पे रहा है, तो टोटल हो गए 31 डेज। और यहाँ पर अगर हम बंदे का नाम चेंज करते हैं, यानी अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर नमन, तो नमन टोटल 31 डेज प्रेजेंट रहा है। अगर हम यहाँ पर नेम चेंज करके देखते हैं किसी और का, तो नीलम की अगर हम बात करें तो नीलम 30 डेज प्रेजेंट रही है, एब्सेंट रही है 1 डे और 0 डेज लीव पर रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।